पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस समारोह के अंतर्गत जिला झज्जर में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हम बात करते हैं भारत के कुश्ती के खिलाड़ी जस्सू पंडित जी, जो मैं आपको बता दूं कि कबड्डी और कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने समय समय पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नाम रोशन किया है। हम बात करते हैं जस्सू पंडित जी से। आप अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती और कबड्डी में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आपका ऐसा हो रहा है करीबन दो उसके बाद कुछ इंजरी होने के कारण मैं आ गया था। कबड्डी में भी मैं कई मलेशिया खेल गया सर्वप्रथम आपको बधाई पहलवान जी, कि आप भविष्य में जुड़े रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आज इस मौके पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कुश्ती और कबड्डी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं ये हर युवा बच्चे हैं, सभी को यही कहना चाहते हैं, केवल एक ही गेम कबड्डी, जो केवल 10 रुपए के लंगोट से खेल लेते हैं, 1000 रुपए का बैट ना कि 1000 रुपए का, 10 रुपए का कोई गरीब से गरीब आदमी खेल सकता है। और यही एक ऐसा गेम है जिससे हम से नशे से बच सकते हैं, हमारा शरीर जो है बहुत अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, देश के लिए खेल भी पाएंगे और विचार भी अच्छा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि अपने बच्चों को 10 रुपए का और उनकी मेहनत भी अच्छा रहे और देश के जसवीर पंडित जी। जस्सू पंडित का कहना है कि सभी खिलाड़ी युवा खिलाड़ी अपने जीवन में नशे से दूर रहें और कुश्ती और कबड्डी हमारे युवाओं की नस नस में बसता है, माटी का खेल है और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है कुश्ती और कबड्डी। तो आज हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जस्सू पंडित से, जिन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि सभी युवा अपने अपने क्षेत्र में नशे और व्यसनों से दूर रह करके इन खेलों को अपनाएं। समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।